मैं एमएलए था, अगर मैं एमएलए होते हुए एमएलए की जॉब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करता जिन लोगों ने मुझे चुना है, और मैं अपने ही प्रोफेशन के साथ बेईमानी करता हूँ, तो आई कांट बी सक्सेसफुल पर्सन। बट आई थिंक आई विद द ब्लेस ऑफ गॉड आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल। आई बॉर्न इन ए विलेज इन पंजाब इन ए मिडिल क्लास फैमिली। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी एसएससी फ्रॉम माई विलेज। आई केम हेयर इन फिल्म लाइन। आई वर्कड इन फ्यू फिल्म्स। देन सुनील दास जी ब्रॉट मी पुल्ड मी एक्चुअली इन टू द पॉलिटिक्स। और मैं 20 साल एम एल ए रहा और उन 20 ईयर्स आई थिंक आई मस्ट हैव मेट मिलियंस ऑफ पीपल, बट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कैन से दिस मैन बिहेव्ड विद मी या दिस मैन हार्म्ड मी। नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। आई ऑलवेज यूज टू चैलेंज इन माई इलेक्शन, इज देयर इवन अ सिंगल पर्सन जो ये कह सके कि मैंने किसी का एक इंच घर तोड़वाया या किसी का एक इंच घर बनवाने के लिए पैसा लिया या दो आदमी को लड़ाया या किसी को पुलिस स्टेशन में पकड़वाया और फिर छुड़वाया जो राजनीति वाले करते हैं। आई नेवर डिड दिस बिकॉज आई ट्रीटेड माई एमएलएशिप एज ए सोशल वर्कर बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर विद ए ग्रेट मैन, ए ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ आवर कंट्री मिस्टर सुनील दास। एंड व्हेन आई वॉक्ड विद हिम फ्रॉम बॉम्बे टू अमृतसर covering about 2000 kilometers, I learned lot of things from. ऐसी जो चीज़ें इंसिडेंट लाइफ में हमने जिंदगी में देखे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब हम चल रहे थे तो हमको रास्ते में हर पार्टी के एमएलए मिले, हर पार्टी के एमपी मिले, हर पार्टी के लीडर मिले। अडवाणी साहब वॉक्ड विद अस 2-3 kilometers। चंद्रशेखर जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉक्ड विद अस वन डे। देवीलाल जी केम ऑन द हाईवे टू ब्लेस अस। वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स इज दिस, व्हाटएवर प्रोफेशन वी आर, इफ वी डू अवर प्रोफेशन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट विल कम। जैसे मैं, मुझे अगर आप कहें कि ये झाड़ू लगाओ इस रोड पे और मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ झाड़ू लगाता हूँ, आई एम जस्टिफाइंग माई वर्क, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। सो वट एवर वी आर डूइंग इन लाइफ वी शुड डू इन विद अवर बेस्ट एबिलिटीज एंड बेस्ट एफर्ट्स। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। यू विल स्टार्ट इन अ ब्यूटिफुल वे। कोई भी प्रोफेशन है बेटा, इफ यू टेक इट कि ये मेरा सब कुछ है, तो सो हु कैन स्टॉप। आपने मिल्खा सिंह की लाइव पढ़ लो, आप धर्मेंद्र की लाइव देख लो, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, बड़ी स्ट्रगल की है, तब जाके लाइव में कुछ मिलता है। और ये फील्ड जो है आज अपना जो इंडिया है, हम तो अपने बच्चों को ये कहते, बच्चा हमने तुमको पढ़ा के जवान करके बाहर मार्केट में फेंक दिया तुमको, अब तुम्हारे में दम है तो बनो जिंदगी में, कुछ नहीं दम है तो नहीं बनोगे। एज पेरेंट्स वी हैव डन अवर ड्यूटी, वी हैव डन अवर जॉब। मैं कहता हूँ मैं 70% तक काम किया है, लेकिन मेरे काम बहुत रह गए। मेरे काम जो मेन है वो ये रह गए, एक तो मैं जरूर प्रसवा बीच है, इन लोगों को कहीं अल्टरनेटिव जगह देके शिफ्ट करना चाहता था, और एक मैं वर्सोवा और लोखंडवाला को कनेक्ट करना चाहता हूँ डायरेक्ट नियर दैट स्वीट होम सोसाइटी। एक कोस्टल रोड है जो अपनी वहाँ से आती है फ्रॉम नारीमन पॉइंट, और अभी अमिताभ जी के घर के सामने आगे चंदन थिएटर आता है, आगे चित्तम्बरा कॉलेज आता है, उसको कनेक्ट करना और उसको आगे दहीसर तक लेके जाना। वो आगे अपने अपने एरिया में करेंगे, पर मेरा, मैं अपने एरिया का कर दूँ, अपने आप चलेगा। दैट वॉज माई डिज़ायर।
ये रोड जो आप देख रहे हो आज, इस लोखंड वाला जो सर्कल है, ये नगर क्रॉस करते हैं, हम आगे सर्कल आता है, वी टेक लेफ्ट टर्न, ये रोड बनाने के लिए डायरेक्ट वन मैन शो, इट टुक मी 8 इयर्स. आई स्टार्टेड इन 99 एंड इट वाज कंप्लीटेड 2007. रात के आप यहाँ से एटीट्यूड देखिए हमारा वर्किंग का क्या था, कि मैं रात के 1 बजे 1:30 बजे गम बूट्स पहन के चंद्रशेखर जी को साथ लेके, एक ऑफिसर होता था रमन्ना, तो हम गलियों में घूमते थे रात को, तो देखें कि यहाँ रोड कैसे जा सकते, इसके बीच में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं. तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 973 पीपल वर रिमूव्ड. 2-3 ISI के वो थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सब्जेक्ट्स थे. 4 तबेले थे, 2 स्कूल थे एंड 9 शॉप्स. वो सब रिमूव करके ये रोड डायरेक्ट की. आज जो आप रोड देखते हैं ना, यहाँ से सीधी जाती है. हाँ जी. अदरवाइज इट गोज टू एंड देन कम बैक लाइक दिस. बहुत ही तो कभी जिंदगी में मैं एक बार जा रहा था 1999 की इलेक्शन में, तो एक लेडी वहाँ खड़ी थी, तो वो मुझे कहती भाई साहब आप वोट ले मांगने तो आए हैं, कैन यू सी हमारे घर तक रोड ही नहीं है, ये सारी लोगों ने रोक ली. तो मैंने उनको बोला सर बहन जी आई प्रॉमिस यू, हर राजनीति वाला प्रॉमिस करता है, बट आई प्रॉमिस यू आई विल डू समथिंग. तो फिर हम वो बनगी रोड पर, मैं एक फंक्शन में था कहीं वहाँ, वो जैन एक बंदर है वहाँ, उसमें फंक्शन था. तो मैंने बोला कि मैं ऐसे 99 में इलेक्शन ला रहा, ये 2007 की बात, 99 में इलेक्शन लड़ रहा था, एक लेडी बालकनी में खड़ी थी, उसने मुझे बोला भाई साहब ऐसा ऐसा है. तो मैंने उस दिन सोचा था ये रोड बनाए बगैर मैं सोऊंगा नहीं. वो लेडी बीच में खड़ी हुई कहती भाई साहब वो मैं थी जो आपसे बात वी आर थैंक. अपनी तरफ से MLA लोगों को जब चुनते हैं लगता है बहुत बड़ा है, पर उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है ही नहीं. ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर्स. एग्जीक्यूटिव पावर सही, मैं तो एक हवालदार को यहाँ से यहाँ नहीं कर सकता, एक पीओन को इधर से इधर हटा नहीं सकता. आई हैव नो एग्जीक्यूटिव पावर एट ऑल. फॉर ईच एंड एवरी थिंग आई हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स. MLA हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर्स. आई हैव टू रिक्वेस्ट अदर्स. ये MLA की पावर है. पर ये है कि आई एम द वॉइस ऑफ 2,50,000 पीपल. एंड माई दिस रिकॉर्ड इज ऑल्सो देयर. मैंने 20 साल में मेरी किसी ऑफिसर के साथ डिस्कशन नहीं, नेवर. जो BMC में पीओन खड़ा था एक गेट पे, तो मैंने उसको बोला शाम साहब कैसे हो, ऐसे नमस्कार किया. और वो कहता अरे साहब मैं तो यहाँ क्यों हूँ, आप मुझे नमस्कार कर रहे. अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग. क्योंकि आई बिलीव कि जो यहाँ झाड़ू मारता है या बाकी एक नाली साफ करता है, अपने घर का वो भी हेड है. इन हिज हाउस ही इज द हेड. ही इज द हस्बैंड ऑफ सम वुमेन, ही इज द फादर ऑफ सम चिल्ड्रन, एंड फॉर देम ही इज द बेस्ट पर्सन इन ऑन अर्थ. तो हम बड़ा छोटा समझे लोगों को, अपने घर में बाहर आदमी गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. तो रोने लग गए, मैं कहने नहीं ऐसा नहीं. सो वाई आई एम से सम पीपल दे जस्ट प्ले विद ऑफिसर्स, रूडली बात करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज करते हैं. मैं तो ऑन द रिकॉर्ड हूँ, मैं असेंबली में बोला भी रहा था कि कुछ मेरे भाइयों को मालूम नहीं है कि IAS आदमी कैसे बनता है, फटाफट कह देते हैं ये करेक्टर भ्रष्टाचार करता है, इसलिए कह देते हैं बिकॉज उन्होंने उसको प्रेशराइज करके काम करवाने होते हैं. रॉन्ग सब बिल्कुल. अभी मैं आज MLA नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी ऑफिसर को फोन करूँगा तो मुझे जरूर बोलेगा हाँ जी बोलिए 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 जी. यस. क्यों, जब मैं 20 साल MLA था आई ऑलवेज गेव दिंग द रिस्पेक्ट. दे हैव टू गिव मी द रिस्पेक्ट. वो अच्छे लोग वो तो इज्जत देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी कोई कह रहा था ना वो मैं हाथी पे आऊँगा, कहता आएगा ना तू ही ना. चाहे मैं MLA बन जाऊँ, चाहे मैं MP बन जाऊँ, चाहे मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मेरी जो हैबिट है वो तो वही रहेंगे ना जो मेरे में है, कोट वो हेड जो मुझे जैसे मैं बना हूँ. बिल्कुल. तो वही रहेंगे. बहुत आए 20 साल में, पर मैं ज़्यादा का नाम नहीं लूँगा. आई विल टेल यू वन.
वन रोड इज कमिंग, उसको कहते हैं जी वी एल आर. द मीनिंग ऑफ जी वी एल आर इज जोगेश्वरी बिखरोली लिंक रोड. वो यहाँ आ रही, देखो टाइम एंड अगेन जो आपने देखा है ये उस रोड पे है और ये रोड सीधी जाती है, आगे एस बी रोड आती है जी. आपने देखा होगा वहाँ ब्रिज बना हुआ है. हाँ जी. वो ब्रिज को आगे लैंड कर रहा था एस बी रोड क्रॉस करते ही, और वहाँ एक मिलित स्कूल है, मिलित स्कूल है, और वो 99.9% माइनॉरिटी का बच्चे पढ़ते वहाँ. तो वो 50% जो स्कूल है वो रोड के इस तरफ है, 50% इस तरफ है. जो बच्चियाँ पढ़ती हैं लड़कियाँ उनका स्कूल इस तरफ, उनका स्कूल रोड क्रॉस करके और उनके स्कूल के बीच में रोड जा रही है 120 फीट. तो मैंने रिक्वेस्ट ये किया गवर्नमेंट को कि ये जो लैंड कर रहे हैं आप स्कूल से पहले ब्रिज को, इसको यहाँ लैंड मत करो, क्योंकि कभी बच्चे क्रॉस करेंगे और जब गाड़ी ब्रिज से नीचे को उतरती है और फास्ट हो जाती है, आप इस स्कूल को क्रॉस करके लैंड करो. इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मेरी और चीफ मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई. मैंने उसको बोल भी दिया 15th time I am talking to you today, बट यू आर अगेन टेलिंग मी द सेम थिंग दैट वी विल कॉल द ऑफिसर्स विच यू आर नॉट कॉल फॉर द लास्ट वन ईयर. एनी हाउ आई वॉज हेड अप, नहीं करेंगे ये और कुछ भी नहीं. इट इज़ नॉट माई डिमांड, इट इज़ द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया. हमें खुद ही डर लगना चाहिए कि खुदा न खास्ता भगवान ना ऐसा करे कि एक बच्चे की वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा हम कैसे माफ़ करें. तो मैंने कहा इसको ब्रिज को क्रॉस करके लैंड करें, बच्चे सेफ हो जाएंगे, नीचे हम एक छोटा सा सबवे बना देंगे उनका, दैट आई कैन डू फ्रॉम एम एल एस. नहीं किया. देन आई वेंट एंड मेट मिस्टर राहुल गांधी. आई टोल्ड राहुल जी, ही कॉल्ड मी बिकॉज आई एम अ सीनियर पर्सन, सो ही कॉल्ड मी एंड इन दैट डिस्कशन आई टोल्ड हिम कि लुक दिस इज व्हाट हैपनिंग इन महाराष्ट्र एंड दिस इलेक्शन वी आर गोइंग टू लूज. ही टोल्ड मी व्हाई. मैं कहता हूं लुक आई एम अ सीनियर एमएलए, आई एम फोर्थ टाइम एमएलए, द सीनियर मोस्ट कांग्रेस पार्टी एमएलए इन बॉम्बे. मेरे कहने पे वो ब्रिज की एक्सटेंशन नहीं दे रहे 150 मीटर, जिसके बजट का टोटल फर्क पड़ेगा 40 करोड़, एंड दैट इज फॉर 15,000-20,000 फैमिलीज. तो ये एक्सटेंशन नहीं हो रही. देन ही टोल्ड हिज असिस्टेंट सेक्रेटरी टेक द मैसेज फ्रॉम मिस्टर बलदेव एंड कनेक्ट विद द चीफ मिनिस्टर. तो देन ही आस्क्ड द रिक्वेस्ट, ही आस्क्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर व्हाटएवर ही सेड टू द चीफ मिनिस्टर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आदमी ब्रिज अपने लिए बना रहा है क्या, उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं. अगर एक आदमी का ये ब्रिज बनने से 20,000 फैमिली अपना छोटी है, वही भी कलम होंगे कर नहीं हो. वो उन्होंने सेंक्शन कर दिया. इस बात को 3.5-4 साल लगे, बट येट टूडे दैट इज नॉट स्टार्टेड, देयर इज अ ब्रिज पेंडिंग, स्टिल नॉट स्टार्टेड. इतने बजट इज सेंक्शन एवरीथिंग. आप देखिए, यही मेरी इलेक्शन से पहले होता शायद मुझे इस चीज़ का फर्क पड़ता है. वॉट इज माई इन्वेस्टमेंट, what is my investment to contest the next election is what I am doing in the area, whatever the projects I am doing, whatever the work I am doing, whatever the help I am helping the people, meri investment to wahi hai. wo us project pe mujhe itna dukh hua, aap I called 25-30-40 times I met officers. aaj tak maine muhurat kar diya uska election se pehle. येट डेट इज नॉट स्टार्ट. अभी अगर उन्होंने नहीं शुरू किया तो आई मे सिट ऑन द बुक हड़ताल. दैट इज दैट विल बी माई सेकेंड नेक्स्ट प्रोग्राम कि वो अगर नहीं करते, सेंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ऑफिसर पास आ गया, प्लानिंग बन गई, कंसल्टेंट वालों ने बोल दिया सब कुछ, एंड इवन इफ दे विल नॉट स्टार्ट देन आई एम प्लानिंग डिस्कसिंग विद माई पार्टी पीपल, आई मे सिट ऑन द स्ट्राइक टिल दैट वर्क स्टार्ट्स. ये ऐसे एक प्रोजेक्ट ने मुझे तंग किया और मुझे सबसे बड़ा प्राउड उस प्रोजेक्ट का जो मैंने वो रोड निकाली 8 years.
प्रोजेक्ट। दैट इज माई आई फील ऑलवेज जब मैं वहाँ से जाता हूँ मुझे खुश होती रोड में नहीं मिला वन मैन श्योर क्योंकि वो मेरा एरिया था उसका बिल्कुल। अभी वो अशोक यादव का एरिया नाइन से 2008 तक मेरे पास था। You see, I told you in the beginning, it's the duty of the parents to give them a good क्या बोलते हैं values संस्कार values and then give them good studies whatever they want to choose. You should not force तू वो कहे मैं इंजीनियर बनना मैं बोलूँ तू डॉक्टर बनना लेकिन the child is 14-15 years उसके discuss करना चाहिए माँ बाप को what do you want to do? Then we should do them. And after that, we should tell them, now it is in your hands to make your career. You want to make your career, then work hard. And if you want to spoil your career, sleep and eat and do nothing. And this is a world competition. Hamare kya karte the buzurg? Hum log wo utha ke nehar mein phenk dete the. Then I was 3-4 years old, 5 years old, utha ke nehar mein phenk dete the aur kehte the nikal bahar. निकल मार हार जब डूबने लग रहा था पकड़ लेते स्पोर्ट भी थी ईगल जो बर्ड है ना ईगल बहुत ऊंचाई में रहता बहुत हाइट पे रहता है ईगल बर्ड वो अपने जब उसके बच्चे होते हैं तो उसको अपने ऊपर बैठा के बाहर निकल जाते हैं थोड़ी दूर जाके नीचे से निकल जाते हैं फिर वो ऐसे ऐसे हाथ पाँव मारता जब गिरने लगता है फिर नीचे जाके 5-6 बार 10 बार ऐसे बार करने के बाद उड़ने लग जाता है अपने आप उड़ने लगे फिर ईगल क्या करता है फिर आके अपना घर तोड़ता है अपने घर को डिस्ट्रॉय कर देता है तोड़ देता है फिर उसको कहता है तू अपना घर वाओ दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बर्ड और ये हकीकत है आई एम नॉट टेलिंग यू एनी स्टोरी माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुझसे बड़ा बने ना भाई चाहते हैं ना कजन चाहते हैं ना मौसी कोई नहीं चाहता या टीचर या कोच को खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया मेरा सिखाया बंदा कामयाब हुआ लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मुझसे भी मिल्खा सिंह नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी वो कहेगा मेरा बेटा रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा ठीक है कोई और ना तोड़े ना तोड़े सो दिस इज ओनली वन रिलेशन दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल द यूथ के जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप अपनी इज्जत उनके हाथों में गिरवी रख देते हैं जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की गिरवी रखी हुई इज्जत को संभाल के रख लेते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं वो उसको बाजार में नीलाम कर देते वो नीलाम कर देते हैं इट्स वेरी इजी टू गेट सक्सेस बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट and maintain success तो मिल जाती है opportunity आती ही जाती है opportunity एक दो बार तो दरवाजा खटखटाती है बार बार नहीं